फूप के नरीपुरा पंचायत में विकास कार्य सरपंच द्वारा सड़क नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्य कराए गए। इसके बावजूद भी नरीपुरा पंचायत के पंच ने सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरपंच ने पंच मनजीत भदौरिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पंच द्वारा खेत में रास्ता ना देने पर झूठी शिकायतें कर गांव के विकास कार्य प्रभावित कर रहा है। सरपंच अन्नपूर्णा का कहना है कि हमारे द्वारा कराए गए विकास कार्य की जांच जिला पंचायत सीओ ने कर ली है, उनको कोई अनियमितता नहीं मिली। सरपंच ने पंच मनजीत भदौरिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंच गलत तथ्यों को लेकर शिकायत कर मुझे ब्लैकमेल करके खेत में निकलने के लिए जगह लेना चाह रहा है, इस वजह से झूठी शिकायत की जा रही है। मामला जो है सब कि उसमें रास्ता मांगी मनजीत ने, वो हमारे प्रकाश भाई का कल पर रहती है, उसमें हमने रास्ता देने के लिए मना कर दिया। इन्होंने झूठी शिकायतें चालू कर दी। पंचायत में 14 मेंबर हैं और क्या नाम है 13 मेरे पक्ष में हैं और मनजीत सिंह भदौरिया हमारे पक्ष में नहीं है। मनजीत आपका विरोध क्यों कर रहा है? हाँ, विरोध ये कर रहा, पैसा मांग रहा है पंचायत में, काम नहीं होने दे रहा और विरोध कर रहे हैं। किस लिए विरोध कर रहे हैं? रास्ता ना देने के लिए। कहाँ से रास्ता मांग रहा है? रास्ता अपने घर के सामने मांग रहे हैं। ओम प्रकाश सिंह का खेत है, हमारा खेत नहीं है। आपकी पंचायत में ये लगातार शिकायतें की जा रही हैं, आप पे आरोप लगाया जा रहा है, क्या है मामला पूरा? नरीपुरा सरपंच हमारी माता जी है और कार मेंबर मनजीत सिंह भदौरिया और सीसी रोड सब कार करा जा रहे हैं शासन द्वारा और मनजीत सिंह रास्ता के लिए विरोध कर रहा है पंचायत में। क्यों, कौन सा रास्ते के लिए विरोध कर रहा है? ये रास्ते घर के लिए रास्ता नहीं दी जा रही है, तो हमारा खेत नहीं है, दाऊ का खेत है, हमने रास्ते मना कर दिया, हमने कि दाऊ आ जाएंगे तो पता कर उसमें मना कर दिया। झूठी शिकायतें लगा रहा, आरोप लगा रहा है, मैं कार्य नहीं करने दूंगा पंचायत में अगर मेरे को रास्ता नहीं दी। तुम उसके द्वारा शिकायत की गई कि लगातार पंचायत में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं। विकास कार्य सब बढ़िया चला रहा, करा जा रहा है शासन द्वारा। उसने कहा मैं रास्ता नहीं दूंगा, तुम काम नहीं होने दूंगा कोई पंचायत में। क्या नाम आपका? टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के फूप से अरविंद दतावली की रिपोर्ट।